बाबू दिन शुरू हुआ और मैंने व्लॉग भी शुरू किया था। हम तुम तैयारी कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और शनाया घर में आई है। दिन की शुरुआत तो सुबह से हो गई है, वर्कआउट भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया। घर में इतना काम मचा हुआ है ना, तो टाइम नहीं मिल रहा है। मेरे को कई कमेंट्स आ रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए आप देख रहे हो गए, इतने सारे बिस्किट्स आए हैं, फ्रूट्स भी आ गए हैं, शनाया भी आ गई है। शनाया कैसी है? सब बढ़िया? 16 है। हाँ, मेरे को तारीखों का भी नहीं पता लग रहा। कल 17 है और 18 को शिवरात्रि है। तो कल हम अपने घर में प्रभात फेरी बिठा रहे हैं, तो हमारे घर में संगीत आएंगी और भजन कीर्तन होंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। आपको भी पता ही है, हर बार अच्छा ही होता है, तो इस बार भी हम करवा रहे हैं घर में। पहले हम करवा रहे थे उस समय जब आरती घर में थी, उस समय हो नहीं पा रहा था और डेट्स नहीं मिल रही थी, मगर अभी मुश्किल से मिली है। और कल के दिन भी उनकी दो जगह उन्होंने जाना है और हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे घर में पहले आ जाना। तो लेट्स सी क्या होगा, कल उसका इंतज़ाम भी चल रहा है। अब तुम तैयारी कर रहे थे, बाकी मैं व्लॉग नहीं डालूंगा उस चीज़ का कि हम तैयारी कर रहे थे। हम फ्रूट्स लेने गए और शिजुका के बारे में पता लगा। ऊपर अच्छी जन्म जाना, ठीक है? अच्छा बच्चा बन के आना, फिर मैं तेरी सेवा करूँगी, ठीक है बेटा? मेरे को उतना नहीं बाबू, मैंने कुछ नहीं किया तेरे को ना यार, मैं दोनों सोए थे चांद में। नहीं मैं क्या नहीं, ऊपर ऊपर नमक डाल दो ना सारा, आँखों में, ऊपर में, कानों के, आँखों के इधर। तेरी दवाई भी शांति है। हेलो, हाँ जी पुत। शिजुका मर गई है? कदों? आज शाम में हुणे दब के आए। कोठे कोठे ते पई पई मर गई। चलो रो ना, ठीक है? चलो ओके। शिजुका हमें मिली थी किसी के घर में। ये एक लॉस्ट डॉग है और हमारे पास नोबिता है पहले से, आपको पता है बचपन से हमने नोबिता को पाला है। हमने उसके लिए एक फ़ीमेल ज़रूर लेनी थी, तो हमने बोला हुआ था कि हमने एक फ़ीमेल पग डॉग लेनी है। तो क्या हुआ कि हमें प्रभ के स्टूडेंट हनी ने उनको बताया कि किसी के गांव के पास ना एक लॉस्ट डॉग मिला है, किसी को उन्होंने रखा हुआ है, तो आप उसको देख लो, अगर आपको सही लगे तो ले लो। मैंने प्रभ को बोला कि जाके चेक कर लेना एक बार। प्रभ गई वहाँ पे, तो उसने देखा कि ना इसको बेचारी को गाँव में रखा हुआ था रस्सी से बांध के गले में, और ये कुछ खा पी भी नहीं रही थी, बहुत बुरी हालत में थी, इसकी हड्डी निकली हुई थी पीठ की, सब कुछ टूटा फूटा हुआ पड़ा था। मोला बहुत तो ना आपको दुखी तो तंग तो नहीं हो रहा मेरे बेबी हैं? 2 मिनट बस, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? तो इसको किसी ने अपने पास रखा हुआ था, तो प्रभ वहाँ गई, देखा बहुत बुरी हालत में है, तो उसने बोला कि इसको, प्रभ ने मेरे को कॉल किया, इसको जाने देते हैं ना बेचारी दुखी ना हो जाए। तो प्रभ ने मेरे को कॉल किया कि वो बहुत बुरी हालत में है। मैंने कहा हमने इसको ही रखना है, अब कोई नया डॉग नहीं रखना, हमने इसको ही पालना है, क्योंकि अगर हमें उसके पास पहुंचाया गया तो परमात्मा का, नेचर का कोई संकेत है कि हम इसको पालें, इसकी केयर करें। तो हम इसको अपने घर में ले आए और जलंधर में थे तब, तो इसका फिर इसके पैर में बहुत दर्द होता था, चल नहीं पाती थी, खाना पीना कुछ नहीं खा रही थी, 2 दिन हो गए हमारे पास थी, खाना नहीं खा रही थी। इसको हॉस्पिटल लेके गए, उनको बोला कि खाना नहीं खा रही है, उन्होंने इसको 5 टीके लगाए कि इसका पेट थोड़ा ख़राब होगा, गर्मी पड़ गई होगी, ये वो। तो हमें फिर एक डाउट हो रहा था कि चल नहीं पा रही है ढंग से, हमने बोला कि डॉक्टर को ये चल नहीं पा रही, उनका एक्सरे करवा लो पैर का। एक्सरे भी करवा लिया, कुछ नहीं निकला। तो घर आए, इसने फिर थोड़े बहुत बिस्किट्स खाए और कुछ नहीं खाया। फिर क्या हुआ कि इसका फिर हमने फिर से हमें लगा कि ये ठीक नहीं हो रही है। हमने डॉक्टर को कहा कि इसका एक्सरे से कुछ निकला नहीं, मगर हमें लग रहा है। फिर इसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो ना प्रभ को एक दिन प्यार कर रही थी प्रभ, तो उसको पता लगा कि इसकी पीठ में कोई प्रॉब्लम है, बैक साइड। तो हमने डॉक्टर को बोला कि हमें ऐसा लगता है कि पीठ, उसने कहा कि पीठ का एक्सरे करवा लो और इसकी हिप का एक्सरे करवा लो। तो इसकी जो लेग है ना, लेग, ये चूल्हा होता है हमारे यहाँ हिप के पास, तो वो इसका ब्रेक है ना। तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में, आप इसका एहसास भी नहीं कर सकते हो, तो आप या तो देखो क्या कर सकते हो। मैंने कहा कि ट्रीटमेंट क्या है, कह रहे ऑपरेशन तो हो नहीं सकता, अगर इसका ज़्यादा दर्द है ठीक नहीं हो पा रही तो इसको टीका दे के मारना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा दोनों इमोशनल हो गए, हम वहीं रोने लग गए डॉक्टर के पास, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्लीज़ कुछ भी करो बचाओ। उन्होंने कहा कि चलो अगर ये खाना खाती है तो फिर इसका कुछ हो सकता है, अगर ये खाना खाने लग जाए इसको फिर ड्रिप ड्रिप लगे, होप सो। हमने बहुत प्रे की, ये खाना खाने लग गई और फिर इसकी दवाइयाँ चल पड़ी और ये हमारे पास आ गई शिज़ुका। इस तरह ये शिज़ुका हमारे पास आ गई। इसको फिट्स पड़ते हैं हमें अब पता चला, तो फिर 5 फिट्स उस दिन आए इसको लगातार। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और अब तो इसके लिए और भी ज़्यादा प्यार हो गया। मैं अभी से इसको इतना प्यार करता हूँ। यही फीलिंग मेरी पेरेंट्स के लिए है, जो लोग अपने पेरेंट्स को गालियाँ देते हैं या बुरा भला कहते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि कितना टाइम है वो हमारे साथ, है ना, कितने कम टाइम के लिए वो हमारे पास है। और जितना टाइम है उतना उनको खुश रखो यार, उनको प्यार दो। ये ठीक है, शिज़ुका इधर है, नोबिता उधर है, बीच में ये सो रही है। मैं कहाँ सोऊं, मेरे को बताओ। रात के 12 बज गए, मैं कहाँ सोऊं, मैं नीचे सो जाता हूँ। हैं? नहीं, मैं नीचे ही सोऊंगा। रात को वैसे भी मेरे को लात मार मार के तो नीचे फेंक देते हो ये दोनों, ये शीशे की तरह सो रखे हैं। शिज़ुका, नोबिता, कोई तो सुन लो मेरी। देख रहे हैं दोनों, एक दूसरे को देख रहे हैं। चलो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। सोने की कोशिश करता हूँ अगर जगह मिल गई तो। चलो ओके। शिज़ुका, मेरी प्यारी बेटी शिज़ुका, मेरा बच्चा, ऊपर आना मेरे बच्चे ने ऊपर आना है। आजा आजा ऊपर, आजा आजा आजा। शिज़ुका बरूद वारगी, उस शिज़ुका बरूद वारगी। अच्छा चीको, नहीं भौंकना किसी को, नहीं भौंकना।